क्या आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है उसको कभी हिंदी में बोलते हो नहीं ना क्या कभी पुलिस को आपने हिंदी में बोला अब अपने मन से पूछो इंग्लिश वीक है या हिंदी वीक है दुनिया में हम उस चीज के बारे में हमेशा ऑन यूज करेंगे जिसको हम फिजिकली टच कर रहे हो दुनिया में हर वो चीज़ जो जगह घेर रही हो उसके साथ दा लगा लेंगे दुनिया में हर वो चीज़ जो दो हिस्सों में मिलकर बनी है, वो हमेशा प्लूरल होती है भाई चुटकियों में वो क्या वैसे सॉल्व करोगे अगर ये तरीके आपने सीख लिए तो लेकिन नमस्कार साथियों मेरा नाम संजीव राठौर है मैं उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बा विधुना का रहने वाला हूं जो इटावा डिस्ट्रिक्ट के पास में पड़ता है आज के इस वीडियो में मैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से जो मैंने आप सीखा है कि इंग्लिश को कैसे सीखना चाहिए आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आप यू एनडीए सीडीएस या किसी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो अपना पेन कॉपी लेकर बैठो क्योंकि तो आज बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स में आपको बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत काम आएंगे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि कास मेरे एग्जाम में इंग्लिश नहीं होती तो मैं सफल हो जाता या मैं जल्दी सफल हो जाता आज इस कास को ख़त्म कर देंगे ध्यान से सुने मेरे कुछ यूनिक और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप फील करेंगे कि यार ये तो मैं पहले से ही कर रहा था लेकिन कभी उन चीज़ों पर काम नहीं किया तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले पॉइंट्स के और ये है कि जब भी आप इंग्लिश को सीखने की कोशिश करें तो अपने मन से ये बिल्कुल निकाल दें कि इंग्लिश इज़ अ टफ लैंग्वेज क्योंकि आजकल सबके मन में यही भरा है कि इंग्लिश टफ़ होती है और यार अगर आपने किसी चीज़ को टफ़ मान लिया ना तो उसे आसान बनाने में सदियां गुजर जाएंगी और इतनी तो इंसान की ज़िंदगी भी नहीं होती आजकल तो करना क्या है आपको सबसे पहले तो ये मन से निकाल दो कि इंग्लिश टफ़ होती है क्योंकि अगर आपको लगता है ना कभी आपके मन में आ भी जाए कि नहीं सर इंग्लिश टफ़ होती है आप तो टीचर हैं इसलिए बोल रहे हैं सर तो आप अपने मन में ये लाओ क्या आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है उसको कभी हिंदी में बोलते हो नहीं ना क्या कभी पुलिस को आपने हिंदी में बोला हिंदी भले ही आप उसकी जानते हो लेकिन हिंदी में बोलते कभी नहीं है क्या कभी इंजीनियर को हिंदी में बोलता है कोई नहीं बोलता ना तो बहुत सारे वर्ड्स कंप्यूटर लैपटॉप स्मार्टफोन कैलकुलेटर इनको कभी कोई हिंदी में नहीं बोलता अब अपने मन से पूछो इंग्लिश वीक है या हिंदी वीक है जवाब मिलेगा हिंदी वीक है क्योंकि कम बोलते हो हिंदी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आप कभी हिंदी में बोलते ही नहीं हो तो भाई जब हिंदी नहीं बोलनी आती है तो इंग्लिश वीक नहीं हो सकती आप अपनी इंग्लिश को कभी ये मत कहना कि ये वीक है सबसे पहला पॉइंट मन को मोटिवेशन दीजिए कि इंग्लिश वीक नहीं है इंग्लिश अच्छी है और उसे अच्छा करना है पॉइंट पॉइंट ये है कि आप लोग केवल क्या करते हो ये सोच के रहते हो कि साइंस में फैक्ट होते हैं मैथ्स में फैक्ट होते हैं भाई इंग्लिश में भी फैक्ट होते हैं इसको प्रूव भी कर दिया जाएगा रियल लाइफ में जितने एग्जांपल्स आप देखेंगे प्रपोजिशन इनको ले लीजिए आप सांस अंदर ली इन सांस बाहर की आउट जिस दिन ये बंद हो गया ना सोचो क्या होगा सोच सकते हो ना स्माइल नहीं सोचना है आपको मन में लेकर आओ क्या होगा तो हम जब भी सांस को अंदर लें हमें लगना चाहिए ओ वाह हमने इन प्रपोजिशन का यूज किया जैसे ही सांस बाहर आ रही है अरे वाह मैंने किसका यूज किया है आउट का यूज किया है आप शादी में जाते हैं डीजे पर डांस करते हो नाचते हो कभी नहीं सोचते यार इसमें भी इंग्लिश का यूज हो रहा है डांस ऑन द फ्लोर ऑन टू यूज कर लो ऑन कर लो हमेशा आप चेयर पे बैठ के मेरा वीडियो देख रहे हैं आप ज़मीन पर बैठ के देख रहे हैं आप सोफे पर बैठ के देख रहे हैं आप बैट पे बैठ के देख रहे हो आप उस चीज़ को टच कर रहे हो ना दुनिया में हम उस चीज़ के बारे में हमेशा ऑन यूज करेंगे जिसको हम फिजिकली टच कर रहे हो आप चेयर पर बैठे हैं सोफे पर बैठे हैं जमीन पर खड़े हैं यार कभी दोनों पैर उठा के तो नहीं चल सकते ना एक ना एक पैर तो जमीन पे रखना ही पड़ेगा तो हमेशा प्रपोजिशन कौन सी यूज होती है ऑन और जिस दिन ऑन खत्म उस दिन हवा में उड़ने लग जाओगे फिर फिर आप पक्षी बन जाओगे और आपको पक्षी नहीं बनना है आपको इंसान ही रहना तो ये जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं इनको ध्यान रखो कई बार हम लोग आर्टिकल्स के क्वेश्चन को ऐसे रट्टा मारते हैं सौ से डेढ़ सौ रूल्स उस चैप्टर में होते हैं ऐसे रट्टा मारते हैं कभी सोच ही नहीं सकते यार एक लाइन याद रखो दुनिया में हर वो चीज़ जो जगह घेर रही हो उसके साथ दा लगा लेंगे कुछ एक पॉइंट्स हैं जो जगह घेर रहे होंगे दा नहीं लगेगा उनको याद कर लो सब कुछ सफल कमरे में बैठे हो कमरा भी तो जगह घेर रहा है इन द रूम चेयर पर बैठे हो चेयर पर भी तो जगह कवर रखी है ऑन द चेयर वो जयमाला वाली चेयर देखिए ना जो कवर होती है उसके लिए ऑन नहीं आता उसके लिए इन आता है तो उस पर भी तो जगह घेरोगे ना इन द चेयर तो दुनिया में हर वो चीज़ जो जगह घेरे उसके साथ दा लगाते हैं और भी एग्जाम्पल्स हैं जो भी नदी है जगह घिर रही है दा लगेगा दा गंगा दा यमुना दा रावी दा ताप्ती दा झेलम सब के साथ दा आने वाला है जितने सागर महासागर जितनी ट्रेन बस हवाई जहाज सिप एरोप्लेन डेजर्ट कैनल्स ये सब जगह घेर रहे हैं और इन सब के साथ हमेशा हम दा का यूज करते हैं आपको लगता है ना कि यूपीएससी में अगर आपको सफलता पानी है तो इंग्लिश अगर आपके बीच में रास्ता अटका रही है ना मेरे ऑफलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमेशा सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करते हैं इंग्लिश में क्योंकि तरीके जो है ना आपको दिल में बसाने वाले जब आप देखोगे ना कि यार हाँ ये तो हम रोज़ करते हैं मम्मी ने बचपन में चिमटे से पीठ भी दिया होगा कभी कभी आपको रोटी सेकते हैं तो चिमटे से ही रोटी से उठाते हैं अब भाई उसी चिमटे से आप कई सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट नाउन के कॉन्सेप्ट तैयार कर सकते हो शर्ट्स पहनते हो ना दो पार्ट में बटी हुई है दुनिया में हर वो चीज़ जो दो हिस्सों में मिलकर बनी है वो हमेशा प्लूरल होती है उठा लीजिए सीजर्स को कभी सीजर नहीं कहते उठा लीजिए टोंग्स को कभी टोंग नहीं कहते उठा लीजिए अपनी शर्ट्स को कभी शर्ट नहीं कहते उठा लीजिए अपने पैंट को कभी पैंट नहीं बोलते पैंट्स बोलते क्योंकि ये कैसे हैं भाई एक ये वाला हिस्सा हटा दो पैंट का फिर इसको पहन के घूमोगे क्या इसको तो नीचे से बांध लो ना फिर चने भर के बेचो इसमें फिर वो पहनने के काम नहीं रहेगा और शर्ट भी अगर एक हिस्सा चला जाए ना तो भाई साहब पूछा लगा लीजिए उससे वो फिर पहनने के काम नहीं आएगा तो दुनिया में हर वो चीज़ जो दो हिस्सों से मिलकर बनी है हमेशा प्लूरल होगी ये कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन स्टूडेंट्स को बताया करता हूँ और वहाँ से जब बच्चे इंग्लिश की क्लास में जाते हैं ना तो उनको ये फील होता है यार मौज़ लेने जा रहे हैं आज तो मौज़ करने जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पढ़ाई नहीं सिखाने के वो तरीके अपनाए जाते हैं जिनसे आपका दिल लगता है जिनसे जिनसे आपका मन लगेगा, आपके चेहरे पर आएगी, जिससे आप खुश हो जाएंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की कर रहे हो तैयारी कर रहे हो अगर आपको लगता है कि इंग्लिश आपको पीछे धकेल रही है तो एक बार रियल लाइफ वाले एग्जाम्पल्स देसी इंग्लिश को पढ़ने के बारे में मैं हमेशा कहता हूं भले ही ये विदेशी लैंग्वेज है लेकिन अगर इसको देसी तरीके से नहीं पढ़ा तो कभी आप नहीं सीख सकते इमली जानते हो ना बहुत सारे लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा इमली सुन के और थोड़ा सा फील करो भाई आ जाएगा पानी आपके मुंह में अब इसी इमली को एक बार हिंदी में बोल दिया ना मुंह में पानी आ गया मेरे भी आ गया लेकिन अगर इसी को इंग्लिश में बोलो ना टैमरिन 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 सुबह से शाम तक रट्टा मारते रहो भाई साहब पानी नहीं आएगा मुँह में क्योंकि हम इंडियंस हैं हमारा मन हमारा दिमाग हिंदी को फील करता है और वो हिंदी की फीलिंग जब तक हम अपने सब्जेक्ट में नहीं लाएंगे तब तक हम उसमें रट्टा मारते रहेंगे स्ट्रांग नहीं हो सकते और अगर किसी ने कहा है कि इंग्लिश को रटना ही पड़ेगा तो भाई साहब उसको इंग्लिश की ई नहीं आती है फिर थोड़ी सी दूरी बना लो क्योंकि आपके करियर की बात है आपका करियर एक बार अगर डाउनफॉल में चला गया ना तो दोबारा आगे बढ़ने का आपको मौका नहीं मिलेगा तो इंग्लिश सीखना है देसी तरीके से इंग्लिश को पढ़ना है देसी एग्जांपल से जब आप मेरे दस एग्जाम्पल लोगे ना तो दो चार एग्जाम्पल आपके अपने भी दिमाग में आ जाएंगे और जिस दिन आपके अपने एग्जाम्पल्स आने शुरू हो गए ना उस दिन सफलता एट्टी आपकी है फिर आपको कोई पीछे नहीं कर सकता क्योंकि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें स्टूडेंट्स आज भी मंदिर में जा कर के ये दुआ मांगते हैं कि मेरे एग्जाम में इंग्लिस ना हो मेरे एग्ज़ाम में इंग्लिश के आसान क्वेश्चन आ जाए आप ग्रामर की बात करें वो कैप की बात करें आप कॉम्प्रीहशन की बात करें आप पी क्यू आर एस की बात करें आप रीअरेंजमेंट की बात करें किसी भी टॉपिक को उठा लो सब में ये देसी एग्जाम्पल्स होते हैं और इनको अपनाना पड़ेगा इनको अगर नहीं अपनाया ना तो भाई साहब बहुत पीछे रह जाओगे क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है और कंपटीशन में आगे रहना है तो आपको दूसरों से हट के काम करने पड़ेंगे इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़ोगे तो सिर्फ रट्टा मारोगे इंग्लिश को देसी तरीके से पढ़ोगे तो सीखोगे भी और उसमें अच्छी परफॉर्मेंस भी लेकर आओगे मैं बिल्कुल गाँव का रहने वाला हूँ आप में से बहुत सारे लोग होंगे शायद आप लोग जानते होंगे कुछ गाँव ऐसे हैं जहाँ मच्छर को मच्छर नहीं कहते लोग मसे कहते हैं मेरे गाँव में बोला जाता है जानते हो वो वर्ड क्या है मच्छर की इंग्लिश होती है मॉस्क्यूटो अब वो मच्छर को मॉस्क्यटो नहीं बोल पा रहे हैं लेकिन उन्हें इंग्लिश बोलने का शौक है वो मच्छर को मसे बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं हमारे यहाँ जब सब्जी में नमक नहीं होता है ना तो हमारे यहाँ ये नहीं कहा जाता सब्जी अच्छी नहीं बनी हमारे यहाँ कहते हैं सब्जी अलोनी बनी है भाई अलोनी वर्ड किससे है एक वर्ड है अलोन अलोन का मतलब होता है अकेला सब्जी बिना नमक की है मतलब अकेली है वो लोग भी इंग्लिश बोल रहे हैं जिनको इंग्लिश का ई भी नहीं पता है भाई जब वो बो बोल सकते हैं तो हम क्यों नहीं बोल सकते आप भी तो बोल सकते हो ना वो कैब भी ऐसा ही है भाई लड़की की कंपैरिजन हम लड़की से करेंगे लड़के से तो नहीं करेंगे अगर कर रहे हैं तो फिर हमारी मानसिकता अलग है अगर हमें किसी वर्ड का सिनेिम्स चाहिए तो हम उसका सिनेिम्स अगर कोई वर्ड नाउन है तो नाउन से ही तो लेके आएंगे भाई चुटकियों में वो क्या ऐसे सॉल्व करोगे अगर ये तरीके आपने सीख लिए तो लेकिन सीखने के लिए कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा करना पड़ेगा लोग कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है बट इस टाइम पे अगर मैं देखूँ ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं है कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है जब भी पढ़ने बैठो ना जब सेल्फ स्टडी कर रहे हो किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो कहीं भी हो ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी पढ़ रहे हो अपने नोट्स जरूर बनाओ दुनिया की महंगी से महंगी किताब ले लेना ले अच्छे से अच्छे राइटर की किताब पढ़ लेना लेकिन अगर आपके पास अपने नोट्स नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है रीज़न क्या है किसी टीचर ने आपको पढ़ाया वो एक क्लास के तौर पर पढ़ाएगा वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करने वाला है वो सारे रूल्स आपको बताएगा बट आपको कुछ रूल्स आते हैं कुछ नहीं आते हैं कुछ कम आते हैं कुछ बहुत ज़्यादा आते हैं तो जो नहीं आते उनको आप खुद नोट करेंगे फिर जब आप एग्जाम देने जाएंगे डिजिटल दुनिया में देखें तो कल को अगर आप पढ़ने बैठेंगे ना तो नाउन का मेरा पूरा वीडियो आप नहीं देख सकते प्रनाउन का पूरा वीडियो नहीं देख सकते प्रपोजिशन का पूरा वीडियो नहीं देख सकते लेकिन जो आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए ना वो पूरे चार बार पढ़ सकते हो तो आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है आपको पता है कि आपको किस पर काम करना है तो इसलिए अपने नोट्स दुनिया की सबसे अच्छी किताब है और वो अगर आपके पास है ना तो भाई आप राजा हो इंग्लिश ग्रामर के और आप हर कोई बन सकते हो किसी को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है मैं पीछे हूँ मेरा मोटिव हमेशा उन स्टूडेंट्स की तरफ रहा है जिनको ये फील होता है कि उनकी इंग्लिश वीक है जिनको ये लगता है कि यार मैं यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड या किसी ऐसे बोर्ड से पढ़ाऊँ जहाँ इंग्लिस का बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं है तो सीख सकते हो यार मैं भी तो हिंदी मीडियम से ही पढ़ाऊं अगर समप करूँ तो मेरी तीन बातें याद रखो इंग्लिश को टफ माना छोड़ दो अपने खुद के नोट्स बनाओ और रियल लाइफ देसी एग्जाम्पल्स को देखो उनसे समझो इसलिए खुद से आगे बढ़ो खुद मेहनत करो आपकी आपके ऊपर आज की गई मेहनत कल आपके लिए बहुत बड़ी सफलता लेकर आने वाली है और आप बहुत बड़ी सफलता के साथ आगे बढ़ने वाले हैं अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो मेरी तरह आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे दोस्तों आपको पता है हम सब बड़े सपने देखते हैं लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं और आपने कभी नोटिस किया है जो भी लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं उनमें एक कॉमन स्किल होती है तो वो क्या है अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश बोलने की स्किल और अब हम भी इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं जोश जोश्किल से आपके साथ यहाँ पे हमें डेली वोकैबलरी ग्रामर रीडिंग राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ इंग्लिश में बात करने का भी मौका मिलता है इससे हम अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं तो चलिए आज ही अपने सपने की ओर पहला कदम लेते हैं भारत के नंबर वन स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स के साथ